विकासखंड साडोली कदीम ग्राम रूहालका से प्रधान प्रत्याशी सर्वरी प्रतिनिधि सईद प्रधान ने ग्राम वासियों से की वोट देने की अपील और कहा कि गांव के अंदर आपस में भाईचारा बनाए रखें और किसी गलत अफवाह पर ध्यान ना दें, शराब का सेवन ना करें, हमें आपस में प्यार मोहब्बत से रहना है और कहा कि हमने लगातार काफी सालों से लोगों की सेवा की है, आगे भी लोगों की खिदमत करते रहेंगे, जो विकास कार्य रुके हुए हैं उन्हें किसी भी पूरा कराने का प्रयास करेंगे। सभी बुजुर्गों से दुआ और सभी नौजवान साथियों से साथ देने की अपील की और कहा कि को प्रकार बार बार हमको परखो, अब की बार इस मौके पर गांव के जिम्मेदार लोग को रुझान बताता है और उसमें सभी बिरादरियां आपके साथ है, कोई ऐसा तो नहीं है कहीं किसी के साथ कोई भेदभाव, कोई ऐसी कोई भेदभाव नहीं, मेरे साथ सब बिरादरी, सारी बिरादरी, चार पांच बिरादरी हैं, पंचों का बिल्कुल सहयोग। अच्छा, जैसे यहाँ पे चुनाव के दिन जब मतदान होता है, मतदान के दिन कोई झगड़ा कोई ऐसी चीज नहीं? नहीं, ना कुछ आज तक कोई झगड़े नहीं है यहाँ। जैसे आपके जो पोलिंग है, पोलिंग भी अच्छा है आपका, हाँ, के आसपास का पोलिंग है, तो कितने परसेंट मतदान हो जाता है? आपकी जनता की जागरूक कितनी है? 85% तक हो जाता है, जो कि बहुत कम गांव में देखने को मिलता है। तो ये सब आपके जागरूक करने का, जैसे आप एक समाज सेवी भी हैं, जनता के लिए सेवा में भी रहते हैं, तो जैसे आप अपनी वर्करी कर रहे हैं जो भी है, तो उसमें लोगों का क्या कहना? लोगों का ये कहना है जो अच्छा विकास करा होगा यहाँ, हम 10 साल रहा प्रधान, कोई झगड़ा नहीं हुआ, अगर झगड़ा यार गांव में लगता है लोगों का ये कहना। और जैसे पूर्व में कुछ क्रिया चल रही जो झगड़े होते हैं जो है, इसलिए आपने कहा कि मैं दो योजना को बुझाऊँ, 2000 से लेके और 10 तक आपने यहाँ प्रधानी की है और वो अमन शांति के साथ, अमन शांति, तो उसको मद्देनजर रखते हुए बात जनता ने आपको खड़ा किया या आप स्वयं खड़ा? नहीं नहीं, जनता ने खड़ा कर जनता के कहना जो रुझान है जनता के, जी जनता के। तो उसका मतलब आपका चुनाव चिन्ह क्या है? वोट का निशान। वोट का निशान मतलब कि जनता के द्वारा कोट पहना दिया गया और जीत का कोट, जो हमने रुझान देखा कि जीत का कोट भी जल्दी आप पहनेंगे, तो आप ये बताए जनता को आप क्या कहना चाहते हैं, अपनी गांव की जनता, ये आपका समझ आपकी के गाँव में क्या क्या कहना आपका? जनता को तो हमारा यही कहना है, अमन आपस में प्यार, अगर कुछ शिकायत हो मतलब उसका निवारण होगा। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि क्योंकि आपने तो करके दिखाया पहले भी, लेकिन इस बार भी है, वादे तो बहुत होते हैं, वादे सभी करते हैं कि विकास के वादे करते हैं, निधि पूरी आती है क्या? निधि 100% लगती है क्या? अगर आपका कार्यकाल स्टार्ट होता है तो आप सुनो, बात निधि का 2.5 साल में सबूत है, 2 योजना पर डाल रहा हम अपनी खेती जी, वो तो हमने सर्वे किया तो उसमें आपका तो इस बार जनता बहुत उत्साहित है आपके लिए, ये जितनी भीड़ हम लोग देखें, आपका जो अपार जन समूह आपके साथ लगा हुआ है, जो आपका घर गांव का एक सहयोग मिला हुआ, बाल तो भीड़ के आए थे सब खेत है, लेकिन वो किसी न किसी प्रतिनिधि के तौर पे आप लोगों के साथ खड़े हैं, खड़े उनका एक सहयोग पूरा सहयोग, तो सभी बिरादरी का सभी खेलने का सोच, मतलब कल को कोई भी जो विकास की योजना आएगी तो आप घर घर तक पहुँचा, घर घर पहुँचा। जैसे आजकल क्या हुआ कि गांव में सभी को लाइट जो सोलर लाइट थी मुहैया कराई गई थी, लेकिन कुछ प्रधान ने उसको नहीं कराया, मतलब आज भी गांव कुछ अंधेरे में है, जबकि ऐसा नहीं, जब निधि आई तो उसका पैसा होना चाहिए था, तो इस बार कुछ आप नया करेंगे जो जनता के लिए नया कर। जैसे आपके साथ और भी लोग बैठे हैं तो मैं और से भी जानना चाहता हूँ प्रधान जी, जी आप युवा लग रहे हैं, आपका नाम क्या है? मोहम्मद जुनेद जी, आपका प्रधान जी के साथ क्या संबंध? अच्छा, आपके दादा जी हैं, तो आपको आप मतलब उनके लिए आपके विचार क्या है? विचार तो अच्छे ही हैं, वो के आगे करें कि गाँव में ऐसा प्रधान होना चाहिए, किसी से 10 साल पहले भी हमारे गाँव में प्रधान रह चुके हैं और काफी विकास करा, आज तक ऐसा कोई प्रधान मतलब अभी तक विकास कार्य मतलब बढ़ चढ़ कर आगे आए, और इसे भी का समाज से भी है गांव में बहुत प्रधान होने के बावजूद काफी काम, धन्यवाद जी। आपका नाम असलम है। असलम जी, आपका जो प्रधान जी के साथ समर्थन है, सहयोग है आपके परिवार का, आपके सहयोगी होगा, वो किस तरह से आपको क्या खूबियाँ लगती है? अच्छा काम करेंगे सारे, और कोई शिकायत नहीं बोल जी। अच्छा, 10 साल प्रधान ने करी नमनता करूँ, अच्छा। कोई रौड़ा भी आता ही बैठा खड़ जाए, थाने तक नहीं जाना, मतलब जो भी मतलब
झगड़ा हुआ कोई भी बात नहीं, वो गांव के गांव में लेकिन बाहर जाने की जरूरत नहीं, बहुत अच्छी बात है। तो प्रधान जी के लिए विचार सभी के बहुत अच्छे हैं और प्रधान जी एक समाज सेवी भी हैं, और समाज सेवी होने के साथ साथ उनका कहना है कि गांव में अगर यदि अमन शांति है तो अमन शांति से ही खुशहाली आती है और सबका विकास तभी कर पाऊंगा जब अमन शांति हो। तो और भी जनता हमारे साथ है और उससे भी जानेंगे कि उनका रुझान क्या है और प्रधान जी के लिए उनका समर्थन किस तरह का। जी भाई साहब, आपका नाम? इमरान जी, आपका समर्थन प्रधान जी के लिए किन किन बातों के लिए? प्रधान जी के लिए अच्छे के लिए समर्थन है। 10 साल प्रधान ने करी, गांव का विकास करा, बहुत अच्छा रहा, बहुत विकास बढ़िया करा। इस बार मतलब 100% सब प्रधान के साथ है। इसी कड़ी में हमारे साथ और भी बहुत सारे लोग जुड़े हैं। जी आपका नाम? वही जी, आप प्रधान जी का कार्यकाल में भी अच्छा रहा, इस बार आपको क्या उम्मीद है? उम्मीद अल्लाह चाहे जीत जीत होगी, जीत होगी इंशाल्लाह। जीत आप लोगों के सहयोग से? हाँ, सहयोग है सबके, सहयोग एक के नहीं सब के। वो विकास कार्य के लिए आ गया, विकास तो बहुत अच्छा करवाया। हाँ बिल्कुल, 100 के 100। जी आपका नाम? जी नमस्कार, मेरा नाम इंतजार है। इंतजार, और मैं बताइए प्रधान जी के लिए आपका जो समर्थन है और रुझान है वो किस तरह से है और किन किन बातों? प्रधान जी के लिए मेरा ही नहीं पूरे गाँव, सहयोग करेंगे और ताकि जीतने उनके बीच में आ सकते हैं।